तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने सिस्को में फाइंड करी है। और ये देख सकते हैं इसका टाइटल, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्को वीवर डैशबोर्ड ड्यू टू डिफॉल्ट और मिसिंग ऑथेंटिकेशन। तो वीवर डैशबोर्ड एक मतलब एडमिन डैशबोर्ड ही है जिसमें मतलब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, मैनेज वगैरह किया जाता है। तो क्योंकि अभी ये वल्नरेबिलिटी पैच हो चुकी है, हालांकि यहाँ पे अनरिजॉल्व दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा उस आईपी को अब हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी आखिर में थी क्या। तो ये जो मुझे मिली है ना वल्नरेबिलिटी, ये शोडान की मदद से मिली है। तो मैं भी आपको बता भी दूंगा ये स्टेप है, तो बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो ये देख सकते हैं, जूम, एक मिनट। तो देखिए शोडान की जो क्वेरीज थी वो कुछ इस तरीके से थी। जैसे ओके, तो ये यूआरएल एनकोड है, इसको यूआरएल डिकोड कर लेते हैं। होस्टनेम सिस्को, ठीक है, प्लस की जगह स्पेस, परसेंट उसकी जगह कॉलन स्पेस और कॉलन, HTTP डॉट टाइटल, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक गड़बड़ी हुई शायद। अब ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको एकदम सिंपल कर देता हूँ, बाकी कुछ मत देखिएगा। ये यहाँ पे देखिए, अब जब आप से शोडान पे जाएंगे, तो शोडान पे मैं गया और मैंने इस क्वेरी का इस्तेमाल किया, होस्ट नेम सिस्को डॉट कॉम। होस्ट नेम का मतलब सीधा डोमेन पे हम टारगेट कर रहे हैं इसको, सिस्को। हमें 200 स्टेटस कोड चाहिए और टाइटल होना चाहिए वीवर डैशबोर्ड। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि आपको वीवर लिखना ज़रूरी है? नहीं, आपको एडमिन डैशबोर्ड चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सिंपल क्वेरी यूज़ करेंगे कि होस्ट नेम, आपके यहाँ पर टारगेट का नाम हो जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल डॉट कॉम पे हंट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये स्टेटस कोड 200 और टाइटल ये रहा। तो मैंने शोडान पे क्या देखा कि जब मैं गया, तो मेरे केस में तो पहली ही आईपी थी, आपके में कुछ भी हो सकती थी। कि अभी मैं जाऊँगा ना, तो अभी उन्होंने एक्सेस बंद कर दिया है। मैं भी आपको वीडियो पीओसी भी दिखाऊंगा, तो अभी वो खुलेगा ही नहीं, है ना। तो हुआ क्या था, जब मैं डायरेक्ट गया इसे डैश इस आईपी पे, तो मुझे डायरेक्टली एडमिन का डैशबोर्ड मिल गया। अब वो कैसे मिला, देखिए ये तो आईपी नहीं खुल रही है, तो पीओसी मैंने जो बनाई थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम शोडान पे गए जैसे मैंने बताया, और वही क्वेरी यूज करिए जो आपको दिखाई थी मैंने, होस्ट नेम सिस्को डॉट कॉम, HTTP.status200 और टाइटल में ये रहा। अब मैंने बताया आपको यहाँ पे वीवर लिखना जरूरी नहीं है, खाली डैशबोर्ड लिख देंगे काम चल जाए, क्योंकि हमें नहीं पता डैशबोर्ड का नाम क्या। ये चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आईपी ओपन करी, वेट करते हैं थोड़ा। वीवर के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डेटा कलेक्शन वगैरह मैनेजमेंट करते ही देगी। तो यहाँ पे कमी क्या हुई, यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है क्या, टेस्ट यूजर यानी कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल इन्होंने यूज किया। देखिए कोड कवरेज है, ब्रांच प्रोटेक्शन, ये देखिए इंफॉर्मेशन लीकेज काफी मिली। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्फिगर, तो यहाँ पे मैं मतलब मॉडिफिकेशन भी कर सकता था इनके सर्वर पे, एडमिन डैशबोर्ड पे।
और POC में आपको सब कुछ दिखाना है कि मतलब आप सब चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डिस्क्लोज्ड हैं सब कुछ ना। रिपोर्ट्स भी हम देख सकते तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया। ना ही हमने कोई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल इस्तेमाल करे, ना ही एसक्यूएल इंजेक्शन, कुछ भी नहीं। मतलब डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है हमें एडमिन डैशबोर्ड का। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि डेवलपर ने सोचा कि इस आईपी को कोई बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि हमने तो पब्लिक से हाइड कर रखा है। लेकिन ये जो शोडान है ना, ये रेगुलरली क्रॉल करता रहता है पूरे इंटरनेट को, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पहुँच गया होगा। और यहाँ पे भाई डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन था ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन लीकेज थी, तो यही है बस। फिर मैंने सिस्को पर रिपोर्ट किया, और फिर जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और सबमिट। ये देखिए गिटहब रेपो, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे इस ये करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर आपको एक एक आईपी चेक करनी पड़ेगी। मेरे पे तो शोडान का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी हद तक फिल्टर कर देता है, तो वैलिड रिजल्ट मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो बस यही था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से मुझे ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मिली। ये देख सकते हैं, तो उम्मीद है आपको ये वल्नरेबिलिटी पसंद आई होगी। ऐसे ही लाते रहूँगा आगे एडवांस वल्नरेबिलिटी P1 और P2। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।